हेलो बच्चों मैं सुनीता श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल विद्या निकेतन में बच्चों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताऊँगी जिसमें मुहावरों का कम से कम दस से ग्यारह मुहावरों का प्रयोग हुआ है एक्चुअली बच्चों क्या है कि ये आ, मेरे बेटे के लिए स्कूल से असाइनमेंट आया था कि उसे एक ऐसी कहानी सुनानी है स्कूल के लिए जिसमें आ, मुहावरों का प्रयोग हुआ हो तो मैंने ये मुहावरा अपने बेटे के लिए बनाया था तो मैंने सोचा मेरे बाकी बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते हैं मैं उनके लिए भी ये आ, मुहावरों वाली कहानी शेयर करूँगी तो बच्चों मैंने आपके लिए भी ये कहानी आज शेयर किया है आप इसे मेरे साथ अवश्य पढ़ें आइए हम पढ़ते हैं अपनी कहानी यह कहानी ऐसे दो बच्चों की है जो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले व वा धुन के थे एक का नाम अभिषेक और दूसरे का नाम अभिनव था दोनों भाई अपने माता पिता की आँखों का तारा थे पढ़ाई के साथ साथ अभिषेक की रुचि संगीत में और अभिनव की रुचि क्रिकेट में थी कहते हैं ना होनहार वीरवान के होश चीखने पात, मात्र आठ वर्ष की अवस्था में ही अभिषेक ने एकल गायन प्रतियोगिता में अपने प्रतियोगियों को धूल चटाकर अपने विद्यालय का नाम शिखर के शीर्ष पर पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ अभिनव ने भी एक टूर्नामेंट में बढ़िया पारी खेलते हुए अपने विरोधी पक्ष को नाकों चने चवा दिए अपनी टीम को जिताने के लिए उसने अपनी कमर कस ली और अंततः टीम को शानदार जीत दिलाई समय के साथ दोनों होनहार बड़े हुए और पक्के इरादों के साथ खून पसीना एक करते हुए आगे बढ़ते रहे उनकी मेहनत रंग लाई दोनों का चयन जिला स्तर पर हुआ अखबार में उनका नाम छपा देख माता पिता को तो मानो सारे संसार माता पिता को तो मानो मा, माता पिता के तो मानो सारे सपने ही सच हो गए उनका सीना गर्भ से चौड़ा हो गया वे फुला नहीं समा रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई हो उन्होंने घी के दीप जलाए और दोनों दोनों ने जिगर के टुकड़ों को सीने से लगाया तो देखिए बच्चों इनमें जो मुहावरे आ, मैंने प्रयोग किए हैं उनको मैंने आ, रंगीन पेंसिल से उनको हाईलाइट किया हुआ है तो हम अब देखते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं एक्चुअली बच्चों तो मुहावरे क्या होते हैं मुहावरों का प्रयोग अपने वाक्यों को सुंदर प्रभावशाली व सशक्त रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है जो कि सामान्य अर्थ से बिल्कुल अलग होता है और वाक्य पढ़ने वालों पर अपना विशेष छाप छोड़ता है यहाँ मैंने जिन मुहावरों का प्रयोग किया है उन्हें मैंने रंगीन किया हुआ है बच्चों तो आइए हम देखें कि मैंने इनमें कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग किया है जैसे नंबर वन धुन का पक्का धुन का पक्का का मतलब होता है इस मुहारे का अर्थ है कि लगन से काम करने वाला और या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत मेहनत से काम करने वाला आँखों का तारा बहुत प्यारा होनहार बीरवान के हो चिकने पात यानी जो होनहार होते हैं बचपन में ही उसकी झलक दिखाई दे जाती है होनहार की छवि पलने में ही दिख जाती है इसका एक इसी बिल्कुल ऐसा ही एक मुहावरा है कि पूत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं ये भी हो हो सकता है यहाँ पर उसका भी मतलब यही होगा कि पुत के पाँव पालने में नज़र आते हैं का सही अर्थ भी यही होगा कि होनहार बच्चे की झलक बचपन में ही दिखाई दे जाती है धूल चटाना यानी बुरी तरह हराना नाकों चने चबवाना यानी बहुत तंग करना खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना मेहनत रंग लाना मेहनत का फल मिलना सीना गर्भ से चौड़ा होना यानी गर्व महसूस करना फुला नहीं समाना अत्यधिक खुश होना घी के दीप जलाना खुशी मनाना सीने से लगाना बहुत प्यार करना तो ये आ, मैंने आप सबके लिए आप सभी बच्चों के लिए मैंने ये शेयर किया है तो अगर आपको भी ऐसा कोई असाइनमेंट मिलता है तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा आप इसका आ, आप इससे अपने लिए या इसमें कुछ और जोड़कर या इसमें से कुछ और घटाकर आप अपने लिए भी असाइनमेंट इस तरह से तैयार कर सकते हैं तो आ, ऐसा है बच्चों कि आपको अगर ये मेरे मुहावरे वाली कहानी अच्छी लगी हो और आपको इससे लाभ मिले तो आप उसका लाभ उठाएं और अगर आपको ये कहा ये कहानी और ये मुहावरे जो मैंने अभी आपको बताया सिखाया समझाया अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ बच्चों इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ओके बच्चों थैंक यू बच्चों बाय बाय फिर से मिलेंगे हम अपनी नई क्लास में ओके बच्चों बाय